मन मोरो तितरे, मन मोरो तितरे, सयाज के मुछ पे जाके बैठ गाओ। अरे मोरी दैया, अरे मोरी दैया रे, अरे मोरी दैया, दैया रे दैया रे दैया रे, सैया की बंदूक पे जाके लेट गाओ। हेलो एंड वेलकम नवोदय टाइम्स टीवी में, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नैना शर्मा। आज हमारे साथ हैं इंडियन आइडल सीजन 4 की फाइनलिस्ट प्रियंका नेगी। आज हम इनसे पूछेंगे कि मिस नेगी आप हमें ये बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे आपका सक्सेस मंत्र क्या है, मतलब इस फील्ड में जब आपने कदम रखा, जब आपने सिंगिंग में कदम रखा तो क्या रही आपकी जर्नी? सक्सेस मंत्र अभी भी आई एम ट्राइंग एंड मेरा मंत्र है सिर्फ ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओ, कीप वर्किंग हार्ड नो मैटर व्हाट। प्रियंका, मैं जानना चाहूँगी, मतलब आपके फैंस भी जानना चाहेंगे कि गाने का ख्याल मन में कैसे आया, मतलब शुरू से आपको कोई शौक था गाने का, बैकग्राउंड था, आपके यहाँ कोई गाता था, या फिर जब इंडियन आइडल देखा तो आपको भी लगा कि नहीं मैं भी गाना गा सकती हूँ, कैसे आया? शौकिया तौर पे गाती थी, पापा मेरे ONGC में हैं तो ऑफिसर्स क्लब में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो उसमें गाती थी, लेकिन पूरा फोकस पढ़ाई पे था उस वक्त। फिर जब इंडियन आइडल आया, सीज़न 1 आया, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ जाके, क्योंकि सब लोग बोलते अच्छी आवाज़ है लेकिन कभी सीखा नहीं था। तो इंडियन आइडल सीज़न 3 में मैंने पार्टिसिपेट किया जिसमें मैं टॉप 40 तक गई थी। फिर मैं सीख के जब मैं वहाँ से आउट हुई, फिर नेक्स्ट सीज़न आया इंडियन आइडल 4, उसमें मैं एक साल की ट्रेनिंग लेके गई एंड आई बिकेम वन ऑफ द फाइनलिस्ट। बॉलीवुड सॉन्ग है तितरी करके, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं आपसे चाहूँगी कि वो गाना आप मेरे लिए गाएं। मन मोरो तितरी, मन मोरो तितरी, मन मोरो तितरी, मन मोरो तितरी, सयाज के मुछ पे जाके बैठ गाओ। अरे मोरी दैया रे, अरे मोरी दैया, अरे मोरी दैया रे, अरे मोरी दैया, दैया रे दैया रे दैया रे, सैया की बंदूक पे जाके लेट गाओ। मन मोरो तितरी, मन मोरो तितरी, सयाज के हाय, सयाज के हाय, सयाज के मुझ पे जाके बैठ गाओ। वैसे तो प्रियंका कहते हैं कोलैबोरेट का जो है आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत अच्छा खासा, लेकिन आपने किसी अमेरिकन सिंगर के साथ कोलैबोरेट किया है जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उस चैलेंज के बारे में जानना चाहूँगी कि वो कितना इंटरेस्टिंग और कितना अलग रहा आपके लिए। बहरीन गई थी, मेरा शो था बहरीन में। ये बहरीन के एक्चुअली सुपरस्टार है, रैप स्टार है, जो बेसिकली इज़ फ्रॉम अमेरिका, तो ही इज़ अ रैपर, एक्टर, यू नो, सिंगर। तो मुझे हम लोगों का कनेक्ट इंस्टाग्राम पे हुआ, उन्होंने मैसेज किया मुझे, फिर बाद में हम लोगों की बातचीत सिर्फ मैसेजेस पे होती थी। मैंने उनको मैसेज पे ही ये गाना भेजा, काला जोड़ा, जो अभी मेरे चैनल पे रिलीज़ हुआ है जस्ट नाउ, वो गाना भेजा और उसी पे उन्होंने रैप लिख के दिया। हमारी कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई, कभी हमने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन सिर्फ ये चीज़ें मैसेजेस में हुई। और जब शूट था हमारा दुबई में, तो हम लोग शूट के दिन ही मिले हैं, तो बहुत ही अलग स्टोरी है। आई थिंक म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो यू नो, इट क्रॉसेस द बैरियर ऑफ लैंग्वेज, कल्चर। अगर आप कनेक्ट करते हो, आपको म्यूज़िक दिल से पसंद है, तो आई थिंक आप सारी बाउंड्रीज पार कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई फील। सो हम लोगों की जर्नी ऐसी रही थी, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, फिर भी म्यूज़िक हुआ। दैट्स सो यूनिक, सो ग्रेट। प्रियंका, पंजाबी सॉन्ग सभी जानते हैं कि पंजाबी सॉन्ग के अलावा भी आपने बॉलीवुड को 3 हिट सॉन्ग दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी हम चाहते हैं, आपके फैंस चाहते हैं कि आप उनके लिए पंजाबी अपना सॉन्ग जो है अखियाँ, उसकी 2 लाइनें गा दें बढ़िया सा। अखियाँ नू अखियाँ दे है गलता कोई कहलण देवे, अखियाँ नू अखियाँ दे है गलता कोई कहलण देवे, मेरा कोई करनी अड़िए, मेरा कोई करनी अड़िए। कभी ऐसा हुआ कि कोई रिजेक्शन हुआ हो तो उसमें आपको बहुत बुरा फील हुआ हो? बॉम्बे में रहना इट्सेल्फ इज़ नॉट आसान, मतलब यू नो, मेरी फैमिली का वो तो सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे भेजा, बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम डूइंग प्लेबैक्स, आई एम डूइंग माई ओन सॉन्ग्स, तो स्ट्रगल्स रहे बहुत सारे, ऑफकोर्स स्ट्रगल्स रहे, लेकिन फिर आई केप्ट वर्किंग। एक और कोई हिट गाना आपका जो फेवरेट हो, एक और गाना होता है? मेरा नखरा असीमत वर्गा, मेरा नखरा असीमत वर्गा, जिन्हों वेख वेख सोनिया क
चमड़ा हो जावेगा, रातानू जग के जोगी बन जावेगा। जद काला जोड़ापा आवा मैं सामने, काला जोड़ापा आवा मैं सामने। बहुत ही उमदा, बहुत ही खूबसूरत। दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अब तक प्रियंका ने जो भी गाने गाए हैं आप लोगों ने उनको बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही उनके गाने पसंद किए गए हैं। आगे भी उनके जो भी गाने आए इसी तरीके से उनको प्यार दीजिए। और बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नाउ दिस टाइम टीवी।